हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नोमान। मैं पोल्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुर्गियों के वेट के बारे में। मुर्गियों का अगर वेट हमारा पीछे चल रहा है डे के हिसाब से, तो हम इसको कैसे रिकवर करें? अगर हमारा एफसीआर अच्छा नहीं है, तो हम एफसीआर को अच्छा कैसे बनाएं? आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं, और मेडिसिन कौन सा यूज़ करने वाले हैं वो भी बताने वाले हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर कोई नए दोस्त आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले। जब भी हम नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, आज हमारे मुर्गियों का 31वां दिन है, तो आज हमारे बॉडी वेट है 1.7 है, तो एवरेज में 1.6 प्लस आएगा। तो हमारा बॉडी वेट तो डे के हिसाब से चल रहा है, मगर हमें इनको प्लस रखना है और हमारा एफसीआर भी हमें अच्छा बनाना है। तो हमें कौन सी मेडिसिन देना है आज हम बताने वाले हैं। तो आज हम दिखाएंगे कि हमारी मेडिसिन, ये देखिए, ये हमारा जो मेडिसिन है वो ये ओस्टोवेट है, वीरबैक कंपनी का। ये आपको पोल्ट्री शॉप में 600 में मिल जाएगा, 600 में, और उसके साथ में विमरॉल भी आपको मिक्स करना है। ये आधा लीटर का है, ये 600 में आपको मिल जाएगा। आपके गांव के हिसाब से, आपके शहर के हिसाब से थोड़ा प्लस माइनस हो जाएगा रेट में इसके। ये आपको किधर भी थोड़ा महंगा भी मिल सकता है, कोई सस्ता भी मिल सकता है। तो ये आपको दोनों मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद आपको ये 100 बर्ड्स को 10 ml के हिसाब से देना है। ये दोनों मिक्स करके 10 ml के हिसाब से 100 बर्ड्स को, 1000 बर्ड्स को 100 ml के हिसाब से डेली नाइट में देना है। 5 दिन का ये डोस है, आपको कंटिन्यू 5 दिन देना है। तो आपको 5 दिन देंगे तो आपको रिज़ल्ट आएगा। हम तो यही यूज़ करते हैं, जब भी हमारा वेट पीछे रहता है तो हमारा एफसीआर अच्छा नहीं आता, तो हम यही यूज़ करते हैं। तो हमें इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है, और हर नाइट में हम जब मेडिसिन देते हैं तो हमारा जो फीडर है, सॉरी डिंकर जो है हमारा, वो क्लीन रहना चाहिए। आप इसको क्लीन करके आप दे सकते हैं कंटिन्यू 5 दिन, तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा ले। धन्यवाद।